चीन को जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ, मेड इन इंडिया अब होगा आईफोन। टाटा ग्रुप करने वाले हैं भारत में आईफोन का निर्माण, टाटा ने कर ली है पूरी तैयारी। कहीं चीन का डर सच तो नहीं होने जा रहा है दोस्तों? क्या सच में अमेरिका की कंपनी चीन छोड़कर भारत में आना चाह रही है? भारत में इसका क्या फायदा मिलने वाला है? ऐसे ही कई सवाल है जिनका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिलेगा, और देखते रहे हमारे वीडियो को, मजा आने वाला है दोस्तों आपको। आईफोन का क्रेज लगभग हर युवा को होता है, और जब आईफोन हमारे देश में बनेगा तो उस पर मेड इन इंडिया देखकर कितनी खुशी होगी इसका बयान करना मुश्किल है। क्या कहा आपने, हम सपना देख रहे हैं? नहीं जनाब, ये बिल्कुल सच है, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, और ये बहुत जल्दी सच होने वाला है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कमर कस ली है, और इसीलिए टाटा ग्रुप ने आईफोन निर्माण के लिए जरूरी रॉ मटेरियल के निर्माता से बातचीत शुरू कर डाली है। हाल ही में एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया है, जो कि अब युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अब आईफोन 14 को भारत में असेंबल किया जाएगा। टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी विस्टन के साथ बातचीत कर रही है। विस्टन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और उम्मीद है इस साल नवंबर तक भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आईफोन कभी भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर निर्भर नहीं करता है, उसके पास दो से ज्यादा सप्लाईज कंपनी है जो उसके अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है, और अंत में उन सभी पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल किया जाता है। और आईफोन के निर्माण में कुछ सबसे खास पार्ट ताइवान की कंपनी फॉक्सन, विस्टन और टेंगो ड्रोन से लिए जाते हैं, और इन्हीं में से एक कंपनी विस्टन है, और विस्टन के साथ टाटा ग्रुप की बात चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विस्टन 2017 से ही भारत में आईफोन का निर्माण कर रही है। आईफोन 12 और आईफोन 13 के मॉडल भारत में ही असेंबल किए गए हैं, लेकिन टाटा के लिए सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि एप्पल अपनी सप्लायर कंपनी के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाकर रखता है। अगर इस काम में जरा सी भी लापरवाही मिलती है तो फौरन उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। ऐसे में इंडियन कंडीशन के हिसाब से आईफोन का निर्माण टाटा ग्रुप के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। इसके साथ ही टाटा देश की पहली कंपनी बन जाएगी जो देश में आईफोन का निर्माण करेगी। वैसे भी विस्टन और फॉक्सन भारत में आईफोन को असेंबल कर रही है, लेकिन ये दोनों कंपनियां ही किसी भारतीय कंपनी की मदद के बिना ही काम कर रही हैं। लेकिन टाटा के इस फील्ड में आने के बाद इस लिस्ट में भारतीय कंपनियों का नाम भी शामिल हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि एप्पल चीन से बाहर क्यों निकलना चाहता है, जबकि चीन हमेशा से हमारी कंपनियों की फेवरेट जगह रहा है असेंबल करने के लिए। ज्यादातर सभी अमेरिकन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में मौजूद है, और वहाँ पर लेबर चार्ज और किराया काफी कम है। इसके अलावा चीन की सरकार भी कारोबारियों की काफी मदद करती है, लेकिन आजकल चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पंगा यहाँ पर यह है कि ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुका है, और दुनिया के कई देशों ने उसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज होने का दर्जा भी दे दिया है, लेकिन चाइना और चाइना के कुछ दोस्त देश, उन्होंने ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्रीज का दर्जा नहीं दिया है, वो अभी भी चाइना के अंडर मानते हैं ताइवान को। एक्चुअल में कुछ ऐसा इतिहास है चाइना का कि चाइना ऐसा समझता है कि हमारे लोग वहाँ जाकर शासन करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली है और अपना देश घोषित कर लिया है, और ये गलत है। एप्पल को अपने काम करने में तकलीफ होने लगी। एप्पल को क्यों तकलीफ होने लगी? देखिए, आपको बता दें, ताइवान सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर बनाता है, और बहुत सारे पार्ट्स आईफोन के ताइवान ही बनाता है। उन पार्ट्स को ताइवान से चाइना भेजा जाता है, और चाइना में असेंबल किया जाता है, और उनकी सप्लाई की जाती है, और असेंबल करके चाइना उसे अमेरिका भेज देता है। लेकिन अब पूरा पंगा हो सकता है, लेकिन अब ताइवान चाहता है कि वो अपना मटेरियल डायरेक्टली अमेरिका को बेचे। चाइना के बहुत सारे इलाकों में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई गई है। चाइना में महामारी के बाद वहाँ पर स्ट्रिक्ट कानून आ गए हैं। महामारी से पहले ताइवान अपना काम पहले से करके दे रहा था, लेकिन असेंबली की जब बात आती है, वहाँ से माल ढुलाई जो हो रही है चाइना के अंदर असेंबल करने के लिए स्पेयर पार्ट्स आना, फिर से लगाना और वापस अमेरिका भेजना, इस काम में महामारी को लेकर जो शिकायत की गई है, जो नियम लागू कर दिए गए हैं चाइना के अंदर, उसके बाद माल एप्पल तक
आराम से नहीं पहुंच पा रहा है। उसका पंगा चल रहा है ताइवान से। चाइना कह रहा है कि मेड इन चाइना लिखा जाएगा, लेकिन ताइवान कह रहा है कि मेड इन तैवान लिखा जाएगा। अब होती है यहाँ पर इंडिया की एंट्री। इसी चक्कर में इंडिया को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज भारत और दूसरे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बार टाटा ने भारत में आईफोन का निर्माण स्टार्ट कर दिया तो बाकी कंपनी भी चीन छोड़कर भारत पहुंच जाएगी। लेकिन आईफोन एक विश्वसनीय कंपनी है, सभी कंपनियां उसको फॉलो जरूर करेगी। इन कंपनीज को लगेगा कि एप्पल जब भारत पर ट्रस्ट कर सकता है तो दूसरी कंपनी क्यों नहीं करेगी भला। क्या लगता है दोस्तों आपको, आईफोन का भारत में निर्माण शुरू हो जाएगा या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।